ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है ये समझना जरूरी है। ये तब होता है जब ब्रेस्ट टिश्यू में सेल्स अनियमित तरीके से बढ़ने लगते हैं। ये सेल्स एक ट्यूमर बना सकते हैं जो बनाइन या मलिग्नेंट हो सकता है। मलिग्नेंट ट्यूमर्स दूसरे हिस्सन में भी फैल सकते हैं जो बहुत खतरनाक होता है। इसका कोई एक कारण नहीं है लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है जैसे एज, फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल चॉइसेस। हार्मोनल चेंजेस जैसे मेनोपॉज के बाद भी इसमें भागीदारी करते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग्स जैसे मैमोग्राम्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन में मदद करते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई लंप या चेंजेस महसूस होते हैं तो ट्यूरेंट डॉक्टर से संपर्क करें। अवेयरनेस और एजुकेशन से हम इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं।